चावल दुनिया का सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि जो परफेक्ट खिले खिले चावल होते हैं वो कैसे पकाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि परफेक्ट चावल कैसे बनता है। सो, मैं यूज कर रही हूँ लॉन्ग ग्रेन राइस, ये बासमती राइस है। वैसे कई तरीके के चावल आते हैं, इस मेथड को आप किसी भी तरीके के चावल के लिए यूज कर सकते हैं। चावल को पकाने के ना दो तरीके होते हैं, एक है ड्रेनिंग मेथड और दूसरा है अब्सॉर्प्शन मेथड। ड्रेनिंग मेथड से बने हुए जो चावल होते हैं वो यूजुअली फ्राइड राइस वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, और जो अब्सॉर्प्शन मेथड वाले चावल होते हैं वो यूज किए जाते हैं रेगुलर चावल खाने के लिए। हालांकि हमारे घर में एवरीडे चावल ड्रेनिंग मेथड से ही बनते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टार्च कंटेंट होता है वो यूजुअली कम होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्रेनिंग मेथड से चावल को किस तरीके से पकाया जाता है। एज्ड बासमती राइस मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। कटोरी से आप इस तरीके से चावल को मेजर कर लें। सबसे पहला स्टेप है, चावल को हमें अच्छे से वॉश करना है। ऐसा करने से जो ऊपर के स्टार्चेस होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। पानी क्लियर होने तक आप इसे वॉश करें, पानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमें चावल को भिगाना है एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। अगर आप एक घंटे तक भिगा के रख सकते हैं चावल को, नथिंग लाइक इट। चावल को पकाने के लिए दो इम्पोर्टेंट टिप्स देती हूँ मैं आपको। एक तो ये है कि जब भी आप चावल को बॉईल करें तब हमें इसे स्टर नहीं करना है। स्टर करने से जो चावल के ग्रेन्स हैं वो टूट सकते हैं। और दूसरा ये है कि एकदम सफ़ेद सफ़ेद चावल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं नींबू का जूस। नींबू का जूस जो है वो चावल को नॉन स्टिकी भी बनाता है। तो अगली बार जब भी आप चावल बनाएं, ये दो टिप्स जरूर ट्राई करिएगा। एक बड़े सॉस पैन में हमें पहले पानी को उबालना है। पानी उबल जाए उसके बाद इसमें डालेंगे चावल, हल्का सा घी और थोड़ा सा नींबू का जूस। अगर आपके चावल भीगे हुए हैं तो 12 से 13 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे। चावल को छान ले ताकि ये ओवर कुक ना हो। ड्रेनिंग मेथड से जो चावल बने हैं उसे छानने के बाद इसे तुरंत फ्लफ ना करें, थोड़ा इंतजार करें। उसके बाद एक काटा यूज करके हमें इसे थोड़ा सा फ्लफ अप कर लेना है। वेल, ड्रेनिंग मेथड से चावल तो बन गए, अब बनाते हैं अब्सॉर्प्शन मेथड से। सेकेंड मेथड है अब्सॉर्प्शन मेथड। इसके लिए कटोरी का माप बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 कप हम पानी लेंगे और 1 कप हम लेंगे चावल। इस मेथड में चावल को सिर्फ वॉश करना है, भिगाने की जरूरत नहीं है। चावल और पानी को कंबाइन करके मीडियम फ्लेम पे हमें 14 से 15 मिनट के लिए कुक करना है। कुक होने के बाद पैन को तुरंत नहीं खोलेंगे, 10 मिनट उसे रेस्ट करें। उसके बाद आप देखेंगे परफेक्टली खिले खिले चावल हो गए हैं तैयार। एक बात तो है, आज का वीडियो देखने के बाद आपके चावल हमेशा परफेक्ट बनेंगे। एंड आई थिंक आपको ये वीडियो सेव करना चाहिए, क्योंकि इतनी बेसिक चीज है और क्लासिक भी है। तो इस रेसिपी को जरूर शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको ये रेसिपी काम आएगी, और मुझे बताइए कि ऐसी और बेसिक कौन सी टेक्निक्स आप देखना चाहते हैं।